विपक्ष को पूरी तरीके से कमजोर करना चाहती है बीजेपी। विपक्ष के हाथ से एक और पार्टी छूटी, अब एनसीपी पर अजीत पवार का होगा कब्जा। दरअसल चुनाव आयोग में मसला चल रहा था कि एनसीपी को अजीत गुट को दिया जाए या शरद पवार गुट को, चाचा को दिया जाए या भतीजे को दिया जाए। अब इस पर फैसला आ गया है। चुनाव आयोग ने अजीत गुट को ही असली एनसीपी माना है, यानी यहां भी वही हुआ जैसा शिवसेना के साथ हुआ था। एकनाथ शिंदे बाहर जाते हैं, बाद में अपील कर देते हैं कि हमारे पास तो विधायक है, असली शिवसेना हम है, और फिर चुनाव आयोग का फैसला भी आ जाता है कि असली शिवसेना तो तुम ही हो, उद्धव ठाकरे असली शिवसैनिक नहीं। बाद में उद्धव ठाकरे को नई पार्टी बनाने के लिए कहा जाता है, जिसका नाम होता है शिवसेना यूबीटी। वही हाल शरद पवार के साथ हुआ है। शरद पवार के तो भतीजे ने ऐसा गेम चला कि पूछिए मत। पहले खुद को अलग किया, उप मुख्यमंत्री बन गया, फिर कुछ दिन तक सियासत में हेर फेर होती रही कि चाचा भतीजा तो मान मनवल में लगे हैं। चाचा तो नाराज थे ही नहीं, सारा गेम चाचा का किया हुआ है, लेकिन अब स्थितियां बिल्कुल सामने हैं। दरअसल भतीजे ने ही चाचा के साथ गेम कर दिया है और अब पार्टी पर कब्जा कर लिया है। अब कहा जा रहा है कि देखिए क्या पैतरा अपनाया जाता है, लेकिन शरद पवार की तरफ से कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में अब गुहार लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और कहेंगे कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। वैसे चुनाव आयोग ने शरद पवार को नए राजनीतिक दल के लिए 7 फरवरी की दोपहर 4 बजे तक 3 नाम देने को कहा है। दरअसल ये इसलिए हो रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में 6 सीटों पर राज्यसभा के लिए चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए शरद पवार गुट को चुनाव संचालन नियम 1961 के तहत इसका पालन करने के लिए खास रियायत दी गई है। चुनाव आयोग ने 6 महीने तक चली 10 सुनवाई के बाद यह फैसला दिया है। आयोग ने कहा कि विधायकों की संख्या के बहुमत ने अजीत गुट को एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह हासिल करने में मदद की है। हालांकि शरद पवार गुट ने चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का पूरा मन बना लिया है। अब इस पर अजीत पवार का क्या कहना है? हमारे वकीलों का पक्ष सुनकर चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया है, हम इसे स्वीकारते हैं। चुनाव आयोग के फैसले से सच्चाई देश के सामने आ गई है। सबको पता है असली शिवसेना और एनसीपी किसकी है। दरअसल वो सीधे तौर पर इशारा कर रहे थे कि अब तो एनडीए गठबंधन में दोनों पार्टियां आ गई हैं, यानी इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से कमजोर हो गया है। वो सिर्फ और सिर्फ अब कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के तक रहकर सीमित हो गया है, क्योंकि एनसीपी तो अब अलग हो गई है। नई एनसीपी जब बनेगी या नई पार्टी जब बनेगी, वही उधर रहेगी। तो ऐसे में शरद पवार को सीधे सीधे बड़ा झटका लगता माना जा रहा है। शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने भी कहा, मुझे लगता है कि जो शिवसेना के साथ हुआ वही आज हमारे साथ हो रहा है, इसलिए ये कोई नया आदेश नहीं है, बस नाम बदल गए हैं, लेकिन फैसला पुराना है, शरद पार्टी को फिर से बना लेंगे। यानी बेटी को अभी पिता पर विश्वास है कि शरद पवार के साथ ही असली एनसीपी के वोटर्स और कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं और वो जब चाहेंगे पार्टी को फिर से खड़ा कर लेंगे। यानी अब अजीत पवार के सामने भी चुनौती है कि वो पार्टी का नाम और निशान तो अपने पाले में ले आए, लेकिन क्या वो पार्टी को चला पाएंगे? क्या एनसीपी के पुराने लोगों को अपने साथ ला पाएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या एनसीपी का वोटर अजीत पवार के पास चला जाएगा? क्या युवाओं के अलावा भी एनसीपी में अच्छी पकड़ रखते हैं अजीत पवार? ये कई सवाल हैं जिनके जवाब अब तलाशे जाएंगे। लेकिन फिलहाल शरद पवार खेमे में दुख की लहर जरूर है। शरद पवार भतीजे से मात खा गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दर्पण न्यूज़।